की बात करते हैं तो उनको काउंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मोल। क्या यूज करते हैं, मोल। ठीक है, तो मोल सबसे जो बेसिक बात है, जो सबसे बेसिक बात तुम्हें लिखनी है वो ये कि इट इज यूनिट ऑफ नंबर्स, इट इज यूनिट ऑफ नंबर्स, ये नंबर की यूनिट है। मोल इज अ यूनिट ऑफ नंबर्स, जैसे डजन इज अ यूनिट ऑफ नंबर्स। एनीथिंग इफ यू से वन डजन इट इज 12। अर्थ में कहीं पे भी एक डजन क्या होने वाला है, 12 ही होने वाला है। आप पेंसिल एक डजन खरीदोगे तो कितनी आएंगी, 12 ही आएंगी। आप आम खरीदो, पपीते खरीदो, इरेजर्स खरीदो, बेंचेस खरीदो, शर्ट खरीदो, एक डजन मतलब हमेशा क्या होता है, 12 यूनिट्स। ठीक है, तो ये यूनिट है किसकी, नंबर की। वैसे ही सेम जब मैं बोलता हूं एक मोल तो उसका मतलब होता है 6.023 × 10²³, दैट्स इट, ये मोल है। जैसे डजन है वैसे कौन है, मोल है। एक डजन मतलब जीवन भर क्या रहने वाला है, 12। कितनी यूनिट्स होने, कितने नंबर होने वाला है, 12। वैसे ही एक मोल मतलब हमेशा क्या होने वाला है, 6.023 × 10²³ ऑलवेज। और यही 6.023 × 10²³ यही क्या कहलाता है, एवोगैड्रोस नंबर। क्योंकि सबसे पहले जो हमें बताया था कि किसी सब्सटेंस में कितने यूनिट्स होंगे वो एवोगैड्रो ने बताया था, इसलिए हम इस नंबर को क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। या तो हम इसको NA से रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ बुक्स में इसको N0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, उससे हमें कोई किसी भी तरीके से हमें कोई परेशानी नहीं है। वेदर इट इज रिटन NO और वेदर इट इज रिटन NA, it has to be Avogadro's number. And what is Avogadro's number? 6.023 × 10²³. अब आपको एटम बोले या मॉलिक्यूल बोले, कोई भी चीज अगर वन मोल है तो उसमें नंबर कितना रहने वाला है, 6.023 × 10²³। अगर तुमसे बोलते हैं वन मोल सोडियम, तो सोडियम कौन है, मेटल है। मेटल हमेशा किस फॉर्म में रहता है, एलिमेंटल फॉर्म में रहता है। अगर हमारे पास आयरन का एक पीस है तो उसमें सारे एटम्स किसके हैं, एफ ई के ही हैं, आयरन के ही हैं। अगर हमारे पास सोडियम का एक पीस है तो उसमें सारे एटम्स किसके हैं, सोडियम के ही हैं। अगर हमसे किसी ने बोला एक मोल NA, हमारे पास क्या है, एक मोल NA, उसका मतलब क्या है कि 6.023 × 10²³ NA एटम्स हमारे पास हैं, और इतने एटम्स हैं तभी हम इसको क्या कह रहे हैं, वन मोल। अगर 12 कोई भी चीज होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, डजन। अगर हमारे पास इतनी कोई भी पार्टिकल अगर इतने हैं तो वो क्या कहलाएगा, वन मोल। ठीक है, अगर हमसे कोई कह रहा है कि हमारे पास 6.023 × 10²³ Fe एटम्स हैं, तो इसका मतलब हमारे पास Fe है कितना, वन मोल। कोई भी चीज 12 है तो वो कितनी है, वन डजन। कोई भी चीज इतनी है तो वो कितनी है, वन मोल। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा कि वन मोल इक्वल्स टू 6.023 × 10²³ पार्टिकल्स, 6.023 × 10²³ पार्टिकल्स। और ये पार्टिकल्स केमिस्ट्री की लैंग्वेज में कुछ भी हो सकते हैं, केमिस्ट्री नहीं होगा तो कुछ और भी हो सकते हैं। अगर हमसे बोला जाए एक मोल आम, थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है सोचने में, लेकिन एक मोल आम मैंगोज, एक मोल मैंगोज मतलब कितने मैंगोज, 6.023 × 10²³। तो पार्टिकल्स मतलब वो दुनिया का कोई भी पार्टिकल हो सकता है। ठीक है, अब अगर 6.023 × 10²³ पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में, तो दे कैन बी एटम्स, दे कैन बी मॉलिक्यूल्स, दे कैन बी आयंस, एनीथिंग। वो पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, वो अदर देन केमिस्ट्री भी हो सकता है, वो अदर देन कुछ भी हो सकता है। और केमिकल लैंग्वेज में हम तीन ही चीजों की बात करते हैं, या तो किसकी बात करते हैं, एटम्स की, या किसकी बात करते हैं, मॉलिक्यूल्स की, या किसकी बात करते हैं, आयंस की।